आखिर क्यों मनाई जाती है होली? हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव और पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा हुआ था कि तारकासुर का वध शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने काम को शिवजी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जन्म का वरदान मिला और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है।